कि ये तो यहीं पर हैं, ये चौकीदारी करने वाले हैं, इज़ नॉट गोइंग, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों का जवाब तो मोदी जी ने नहीं दिया, तो मैं कैसे दे दूँ। अरे हाँ, मेन मंदिर तो उधर है। वो ये देखो, ये गाइस ऐसा ठंडा हो रहा है ना क्योंकि पाला ऐसा खतरनाक रहा है। यार यहाँ ना एक और दिक्कत है कि बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये प्रसाद वगैरह लेके चले जाते हैं। मैं एक बार अंदर से दिखा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर, पेड़ों के बीच में। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो ये तो चौथा दिन है और अभी जॉर्डन भैया और मैं कहीं तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ब्रश लेने के लिए, या टूथपेस्ट लेने के लिए। मैं बार बार ब्रश कर दे रहा हूँ, अब तो हालत ऐसी हो गई है ना, सेम कपड़ों में। क्या खरीदी है? एंडेवर। मैंने ना कल रूम वगैरह कुछ दिखाया नहीं आपको, मैं वैसे बहुत ज़्यादा थक गया था कल, वैसे थक ही गए थे सब लोग। हम लोग रुके हैं गोवी स्टॉप में, जो कि केसार देवी साइड पे को है। तो यार आज हम लोग चले जाएंगे लोहाघाट की तरफ को, पहले मैं भी जागेश्वर जा सकते हैं, जागेश्वर धाम, अगर सब लोग, हाँ डिपेंड करता है कि सब लोग अच्छे से रेडी हो गए, मतलब जल्दी रेडी हो गए। और इन लोगों को तो जाना है, कहाँ जाना है अभी? टनकपुर जाना है आप लोग का, लगभग इन लोग का बॉर्डर से सटा हुआ एक गांव ही छोटा सा। इन लोग को लगभग 200 किलोमीटर जाना है और मुझे जाना है 110 किलोमीटर। तो यस, मेरी राइड थोड़ा छोटी रहने वाली है और इन लोगों की हैक्टिक हो जाएगी। वैसे वहाँ से तो रोड सही है, तो मज़ा भी आएगा अगर अच्छे से दोनों चलेंगे तो। सो गाइस, दिस इज़ द हॉस्टल। यार ये देखो, हम यहाँ रुके हैं, पर भाई ना यहाँ एक दर्द है, वो दर्द है कि हमने वो ऊपर जाना है और सीढ़ियों से, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। हमने बाइक्स यहाँ पे पार्क कर रही थी कल, और देखो यहाँ पर को ना कुछ गेम्स वगैरह भी रख रखे हैं। गेम्स तो क्या, एक यही है फुटबॉल, यहाँ पे चिल करना है। तो ये देखो भाई कितना सुंदर है ना, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और कल तो यहाँ पे हम लोग ने मूवी भी देखी थी, जो ये प्रोजेक्टर लगा है, यहाँ पे बैठ सकते हैं और दिस व्यू अल्टीमेट पा जंगलों के बीच में। और पता है आजकल ना सबसे ज़्यादा यही हॉस्टल वगैरह ही चल रहे हैं यार। लोग आते हैं, ट्रैवलर होते हैं, बजट कम होता है, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसी जगह रुकना पसंद करते हैं। और भाई ये वाला प्लेस भी देखो, कल रात यहाँ पे हमने बॉनफायर करी थी, ठीक है। बट पता है एक दिक्कत कि वो जो बॉनफायर हो रही थी ना, 500 रुपये उसके एक्स्ट्रा चार्जेस थे लकड़ियों के, ठीक है। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर, पेड़ों के बीच में है ना, मस्त। अब हमारा रूम जो है वो एक्चुअली ऊपर है, रूम भी नहीं, हमारे जो बेड हैं, एक रूम पे लगभग 8 लोग रह रहे हैं और हम 3 अलग हैं, बाकी एक ग्रुप अलग है। तो मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो भाई ये वाला है हमारा रूम, मैं एक बार अंदर से दिखा रहा हूँ, ये देखो। ये हिमालय भैया लोग का है, ये जॉर्डन भैया, और ये वाला था मेरा। कहाँ हैं वो? चाय भी रहे हैं, इनके लिए चाय लेके आए हैं, ये थोड़ा ना लाज साहब हैं। हमारी किसी ने चप्पल ले ली थी यार, क्या करें हम। अरे यार अभी तक उठे भी नहीं है, बताओ, सबसे ढीले इंसान यही है हमारे ग्रुप में। कैसे मैसेज दिखाऊं, कोई बोल रहा था मैसेज। हम देखो हम कहाँ से आके चाय वगैरह भी लेके आ गए हैं, बट ये अभी चाय पी रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर को ना सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं। जो हम लोग कहाँ पे रुके थे, हम लोग इससे पहले हॉस्टेलर में था ना, हॉस्टेलर में क्या था कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये जो लॉकर थे वो सब नीचे थे, इस वजह से वो थोड़ा ऊंचा था। पर इसमें क्या है कि ये लॉकर इधर साइड पर है, इस वजह से ये वाला जो है बेड बहुत नीचे है, और इसलिए मुझे चढ़ने में भी आसानी हो रही है। भाई हॉस्टेलर में तो बहुत दिक्कत हो रही थी ना, दिक्कत। मैं तो नीचे ही सोया था। हाँ पर मैं सोया था ना ऊपर। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, अब मैंने सिर्फ बैग को टाई करना है। देखते हैं जागेश्वर धाम जाने का अगर विचार बनता है तो। सबसे ज्यादा मन इनका हो रहा है जागेश्वर धाम जाने का, ही वांट्स टू गो। यस, सुमित भाई ने हमारा लेट कर दिया है। मैंने नहीं लेट करा, मैं ऑलरेडी तैयार होके इनके लिए चाय लेके बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर पैदल गया था। गाइस हम आपको 5 किलोमीटर दिखाएंगे अभी, हम आपको कितना दूर है। अरे हमारे लिए 5 ही था यार। तो यस गाइस, लिविंग फ्रॉम हेयर, आज हमारा लास्ट डे है राइड का,
और वो देखो जॉर्डन भाई तो पहले नीचे पहुंच के कोल्ड स्टार्ट करने लग गए हैं। सब लोग सुबह उठते ही पहले क्या करते हैं, अपनी बाइक का कोल्ड स्टार्ट, और वो बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा लुक आता है यार, ऐसा व्यू आता है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल जंगलों के बीच में। बस यहाँ एक ही दिक्कत है जो मैंने पहले बताया था कि चढ़ना उतरना बहुत है यार, और ख़ासकर हिमालय भैया के लिए तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जा रहा है। ही इज़ ऑलरेडी हिमालय, अपना वजन संभालने की एक्स्ट्रा वजन संभालने। तो बाइक कोल्ड स्टार्ट हो रही है, और मीनवाइल मैं तब तक क्या करता हूँ, अपनी बाइक पे ना ये जो लगेज है मेरा एक छोटा सा बैग, इसको बांध लेता हूँ। बट यहाँ पर को क्या दिक्कत है ना पार्किंग की, वो तो हमने जैसे तैसे देखो बाइक ऊपर नीचे करके अपनी बाइक को सेफली ऊपर पार्क कर दिया था। चलो चलते हैं, मैं फटाफट से पहले बाइक में बैग को टाई कर लेता हूँ। तो यार देखो हम लोग हॉस्टल से आ चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ भी, ठीक है, लोहागढ़ जितना नहीं हो रहा है बट हो रहा है। और हमें निकलते निकलते देखो 10 बज गया है, और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है, क्योंकि ना ये बैग को बांधने में और गियर अप होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, राइडिंग जैकेट वगैरह पहनने में। थोड़ी देर हमने बाइक को कोल्ड स्टार्ट करा, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो दिस इज़ द थिंग गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे कहीं पर को ना बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे कुछ, और सैडली आज हमारी राइड जो है ख़त्म हो जाएगी। मेरी तो बस 110 किलोमीटर की है, और विशाल भैया लोगों की तो लगभग टनकपुर, इनका तो टोटल 200 किलोमीटर है, तो इनकी तो आज शाम तक हो जाएगी, और मेरी तो दिन में ख़त्म हो जाएगी राइड। और ये जो है ना ये अल्मोड़ा का जू है, यहाँ पर को भी नहीं गए यार हम, पता कल हम कहीं जा ही नहीं पाए क्योंकि ना मन ही नहीं हो रहा था यार ऐसे जाने का। तो ये जो पूरा है ना ये जू है, और यार ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में फैल रखा है। फाइनली अब हमारा प्लान पता कहाँ का बन गया, हमारा प्लान बन गया जागेश्वर धाम जाने का। पहले हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, उसके बाद फिर वहीं से वहीं पे हम लोग क्या करेंगे आज का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और अभी यहाँ से जागेश्वर धाम बस 10 किलोमीटर बचा होगा, और पनार जो है वो 60-65 किलोमीटर के आसपास है। तो यस ब्रो बहुत ही मज़ा आ रहा है, देखो मॉर्निंग राइड भी हो जा रही है, और हम लोग आज घर भी जा रहे हैं, और रोड भी ना बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, जैसे कल तो बहुत ही बेकार थी, आज की रोड तो बहुत ही अच्छी है यार। जहाँ से आगे सर के लिए रोड कटती है ना वो वाले जगह पे पहुँच गए हैं, और भाई अभी देखो 10:30 हो रहा है यार, हम लोग 10 ही बजे निकले थे और आधे घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो जागेश्वर धाम 3 किलोमीटर, और पता है रोड, ओहो ये पाला बहुत गिरा है यार, आराम से चलना, आराम से चलेंगे यार, पाला गिरा है मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा पाला हुआ है यार, ये वाला पार्ट देखो भाई पूरा वाइट हो रखा है यार। तो भाई देखो पहुंच चुके हैं हम लोग जागेश्वर, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट है ना, सब टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे बहुत आए रहते हैं। और हम लोग जा रहे हैं आगे साइड पर को मंदिर के, वहाँ पे तक जाएंगे बाइक लेके। और भाई ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना ये पूरा ये जो है पाला गिरा हुआ है, तो देखते हैं आगे पे अगर बाइक ले जाने जैसा होता है। ओह भाई आप बर्फ गिर रखी है यार, ये पाला है ऐसा। सो गाइस देखो यार हम लोग पहुँच चुके थे जागेश्वर धाम, और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, ये जो वाइट आपको दिख रहा होगा ना, एक्चुअली मैं मुझे तो पहले ऐसा लगा है बर्फ़ है, बट मैंने सोचा अरे नहीं यहाँ भी तो देवदार के पेड़ हैं, ये ना जो है पाला गिर रखा है, और यहाँ पे धूप नहीं आती होगी इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब जम रखा है अभी। और इधर साइड को तो धूप आ चुकी है, देखो हमने यहाँ पर भी बाइक वगैरह पार्क कर दी है, ये दो बाइक लिए हैं और एक ये है, ठीक है। और देखो मैंने प्रसाद भी ले लिया है, अब हम जाएंगे भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। ये चौकीदारी करने वाले हैं, इज़ नॉट गोइंग, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों का जवाब तो मोदी जी ने नहीं दिया, तो मैं कैसे दे दूं। ये वाला जरूर डालूंगा। तो गाइस देखो हमारा प्रसाद, तो गाइस ये भूत, इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, खाली परछाई आ रही है।
पर चांद हमारा पूरा नजर आ रहा है। गोरा गोरा खतरनाक बात रहे हो। चलो चलो तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? तो चलो चलते हैं यार हम लोग। यार यहाँ एक और दिक्कत है कि बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये प्रसाद वगैरह लेके चले जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई बात नहीं, हम बंदर को ही छुड़ा देंगे फिर, एक प्रकार से भगवान जी हैं। वहाँ तो होता ही उनके से सेट होता है ना वो, उसमें सभी सब होता है, नारियल वगैरह। फिर आके उसने से इलायची ज़रा निकाला बस। अरे मेरे साथ क्या हुआ पता है? मेरे साथ क्या हुआ था, मैं तो जो मंदिर से फिर प्रसाद नहीं मिलता है दोबारा, तो मैंने वो ऐसे ही हुडी के पॉकेट पे रखा था, ठीक है? मैं ऐसे झुका, वो आया पहले, उसने मेरी एक लात मारी, फिर लेके चलते बना। तो यार ये देखो बंदर के किस्से ना सब जगह होते हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। अब यार बंदर ले जाएंगे तो ले जाएंगे फिर, यार लो पकड़ो यार। ये देखो यार गाइस, तो बंदर ही बंदर हो रहे हैं। ये है मंदिर का एंट्रेंस, और शायद मुझे ऐसा लगता है ना यहीं से, यहीं से जूते उधर पे खोलने होते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है अंदर। तो उसके बाद फिर ना कैमरा को अलाउ नहीं करेंगे, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलो उधर खोलने होते हैं। अब मैं इनकी टोकरी भी पकड़ लेता हूँ, गिराऊँ ना बस यहाँ पे, ये वाले सूट उतार रहे हैं। देखा मैंने कहा था ना मंदिर पे अलाउ नहीं करेंगे, तो उन्होंने पहले ही टोक दिया। बट हम मंदिर में वैसे भी नहीं करने वाले थे, बाहर पे तो हम कर ही सकते हैं। हैं सबकी पन्नियां भी उतार दी पैरों की, हैं आप जो कह रहे थे वही बोल रहा पीछे, पन्नी कहीं अलाउ मत करो। अच्छा तो यार ये देखो मंदिर भाई, पुराने पुराना आर्किटेक्ट कितना खतरनाक होता है ना, पत्थर को ऐसे रख रख रखा है। ये देखो यार, अरे हाँ मेन मंदिर तो उधर है। वाहो ये देखो, ये गाइस ऐसा ठंडा हो रहा है ना क्योंकि पाला ऐसा खतरनाक गिरा है, यहाँ इस मंदिर के अंदर जाना होता है। वो देखो यार, वो ये जो जिस दिख रहा है ना, तो अब पता है इस वाले मंदिर के अंदर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है? क्योंकि आप सभी को बताऊँगा। तो हम मेन मंदिर तो जाके आ गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। और पता पैर इतने भयंकर ठंडे हो गए हैं ना, ठंडे कितने हो गए हैं ना, पैर सुन्न हो गए हैं यार, पैर बहुत ही ज़्यादा हो गए, फील नहीं हो रहा पैरों में। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, मन बिल्कुल आनंद हो चुका है, इतने पाप करे हुए हमारे यार दूर जाएंगे। लेकिन एक पाप हो गया कि मेरी चाबी खो गई बाइक की, वो तो वहीं होगी, नहीं तो यहाँ दोबारा हो गए। और पता जैसे जूते पहने ना, इतना गर्म फील हो गया ना, मस्त मज़ा आ गया, ठीक है? और यहाँ पर को बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप ये थाल वगैरह ले आ सकते हैं जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, और बहुत सारी मालाएं हैं, रुद्राक्ष मालाएं हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं यहाँ से, हैं देखनी पड़ेगा कैसे कर रहा है। तो यार कैसा लगा चौकीदारी करते हुए हमारी बाइक्स का? यार मैं बहुत बार आया और हर बार चौकीदारी करी है मैंने, कार पे भी आया तो मैं चौकीदारी। तो यार कभी कभार मंदिर के दर्शन कर लिया करो, क्यों? कितनी बार आके कर लिए, भयंकर यार। मंदिर चर्च या फिर मस्जिद कभी भी आओ भाई, सुकून मिलता है। मुझे नहीं मिलता। बताओ इनका सुकून ना इनके घर में है। चलो फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बढ़िया से नाश्ता करेंगे। और देखो यार लोग ना वहाँ बर्फ वगैरह करके, मतलब उनके लिए ना जिसने बर्फ़ नहीं देख रखी है ना उनके लिए तो यही बर्फ़ है, तो वो लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, पाले में इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता कर लिया, अब सीधे प्लान ये है कि लोहाघाटी रुकने वाले हैं। और नाश्ते में हमने खाया आलू के पराठे, मैगी, चाय, और आज हमने क्या नया ट्राई करा बताए, जो नया वाला पार्ले जी आया ना वो ट्राई करा। तो देखो ये है नया वाला पार्ले जी, बहुत टाइम बाद पार्ले जी ने कुछ नया ट्राई करा, ठीक है? और जो नया ट्राई करा ना वो बहुत मस्त है। तो यार देखो हम लोग ने मंदिर के दर्शन कर लिए थे, उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, अब हम जागेश्वर से निकल चुके हैं और अभी बज चुके हैं 12। अब जो प्लान है वो ये है कि अब सीधे हम लोग जो है लोहाघाटी रुकेंगे। तो ये देखो यार धनिया की मार्केट, मैं पहले भी आपको व्लॉग में दिखा चुका हूँ, पर उस समय मैंने
आपको गाड़ी से दिखाया था, आज मैं मोटो व्लॉग के जरिए दिखा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से जाम खुला, लगभग 10-15 मिनट यहीं पर फंस गए, अभी तक हम बहुत दूर पहुंच जाते। दुनिया में बहुत जाम लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा। और विशाल भैया लोग तो पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, आगे चले गए थे वो लोग तो। पता है आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि जैसे कुछ चीज़ होने वाली होती है ना, तो टाइम बिल्कुल जल्दी जाता ही नहीं है, और जब वो हो जाती है तो टाइम कितनी जल्दी जाता है। आज पता है इतनी जल्दी टाइम चले गया है ना, और हम इतनी जल्दी पहुंच गए हैं। कल इस टाइम पर को हम लोग मुक्तेश्वरी थे, ठीक है, वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, ब्रंच कर रहे थे। यार बहुत ही जल्दी टाइम चले जाता है, पता है। मैं बस पहुँचने वाला हूँ अपने घर के पास, और अब आ गया है टाइम भाई अलविदा कहने का दोनों लोगों से, जॉर्डन भैया और हिमालय भैया से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बाइक रखूँगा अभिषेक के वहाँ। और यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार आज तो, पता है एक साथ ही थकाई लग जा रही है। टाटा टाटा बाय बाय हो गई हमारी, क्योंकि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा ना, मैं बाइक अलग जगह रखता हूँ, सीधे वहीं जाऊंगा। तो अच्छा लगा मिलके, बहुत मज़ा आया, ठीक है। अब नेक्स्ट राइड का भी जल्दी प्लान करते हैं, ठीक है, अच्छे से जाना आप लोग। चलो ठीक है, फिर सब लोगों से बाय बाय हो चुकी है, और 3 बज गया है लगभग 2:44 हो चुका है, और इन लोगों को पहुँचते 5 बज जाएगा घर। अब मैं घर जाऊँगा भाई, सो जाऊँगा थोड़ी देर यार, आज तो मैं वीडियो एडिट कर ही नहीं पाऊँगा, बहुत थकाई लग गई है भाई। तो यस, इसी नोट पे भाई देखो वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग को ये वाली सीरीज़ पसंद आई होगी, ठीक है, जितने भी इसके व्लॉग बने होंगे आप लोग को सभी पसंद आए होंगे। तो चलो फिर अब इसी बात पे मिलते हैं आपको अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। आपको पता है आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है।